2000 लास्ट में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे भीमराव अंबेडकर। जब उनका दाखिला यूनिवर्सिटी में होना तो देख उनकी फास्ट हम देखते ना तो राव लिखते हो, ये राव जाति की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला, अपने उस्ताद ने उनको सर नेम दिया, तब जाके वो भीमराव अंबेडकर बने। सर नेम की ही वजह से उनको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं मिला। लेकिन वही बात है, उन्होंने अपने एक हाथ में किताबें रखी, एल का इजाफा किया। लेकिन हम अगर आज के बच्चों की बात करें तो फोन पबजी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे रोज अपनी डिस्प्ले पिक्चर संदीप भी कहते हैं शॉर्ट में बहुत बदलते हैं, खुद को अपडेट करने का इनके पास टाइम नहीं है। लेकिन ये है कि फोन हमारा अपडेट होना चाहिए, फिर वो मोहल्ले के वाईफाई को चोरी क्यों ना करना पड़े। आपसे कभी पेरेंट्स ने ये बात कही कि इल्म में कितना इजाफा हुआ? नहीं, फैशन के मुकाबले में, ड्रेसेस के मुकाबले में, स्कूल में यूनिफॉर्म के लिए कुछ बोलता है, लेकिन वहीं पे शादी में जाना हो तो सूट बूट ऐसा होना चाहिए ऐसा भूले हो भी ना। गांधी जी का एजुकेशन ये था कि हमारे बच्चे स्किल डेवलप करें। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लिख लो, डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर आपने बात करने की तमीज नहीं है तो आपका एजुकेशन जाया, मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। आज का एजुकेशन हमारा क्या है कि पढ़ लिख के बस पैसे कमाने हैं, आला से आला गाड़ियों में घूमना है, हमारे पास आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हाथ में हो, तो कोई गरीब का बच्चा सामने नहीं है तो गरीब किसके साथ छूना नहीं हुआ ये आ रहा। स्किल का मतलब क्या है? अगर कोई विराट कोहली के पास जाएगा उसके हाथ मांग सकते हो, आप कहो उसको मैं 1000 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, क्या वो अपनी कलाइयां देगा? मैच सब देखते हो, कलाइयों का जादू विराट कोहली के पास, रोनाल्डो की कोई टांग ले सकता है? दे दो दुनिया भर की बात, क्यों? मेहनत की, अपने स्किल्स को डेवलप की। एक गांधी जी का एम एजुकेशन के साथ अपने स्किल को डेवलप, तभी कुछ बने। एक बिलियनर था, उसने ये कहा था, मैं क्लास में भी अक्सर एग्जांपल देता कि मेरा जो परदादा था वो मजदूरी करता था, मेरे दादा ने मेहनत की और गाड़ी खरीदी, मेरा बाप मर्सिडीज में चलता था और मैंने दुनिया की सबसे महंगी कार खरीदी है, सुपर कार में दूसरे दुनिया में चार ही। लेकिन अगला वर्ड उसका यही था कि मेरी आने वाली औलाद फिर से पैदा चल, क्योंकि बना बनाया है बाप दादा परदादा, इन्होंने बना लिया, बस हमें आगे अब क्या करना, उड़ाना है। ये है आजादी का मतलब, अगर पूछना है तो उससे पूछो जेल में क्या है। हमारे पास तो आज है कि इंडिपेंडेंस के बहुत सारे मसले, जो फुटपाथ पर बैठे होते हैं, धूप की गर्मी सहते हैं, बारिश के तूफान सहते हैं, कभी उनसे पूछ लेना कि आजादी के बारे में क्या कहते हैं। ये हमारा एजुकेटेड सोसाइटी। अल्लाह ताला ने दुनिया की बेस्ट क्रिएशन इंसान, एग्जाम्स में किसी बच्चे के कम मार्क्स आ गए, वो क्लास में रो रहा, मेरे माँ बाप 3-4 जगह ट्यूशन क्लास लगा चुके हैं और मेरे मार्क्स फिर से कम आ। हम टीचर्स का भी इसमें बहुत अहम रोल, टीचर्स का, फैमिली मेंबर्स का, पेरेंट्स का। अगर आप आजकल ये देखो कि डिप्रेशन जो बहुत हानिकारक बीमारी है, 99% पॉपुलेशन दुनिया की, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे, यकीन नहीं करोगे आपकी उम्र के बच्चे डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का सॉफ्टवेयर क्या है, फलाने का बच्चा अच्छा है तो तुझे भी अच्छा, वो 100% लाता है तुझे भी अच्छा बनना है, तो ये कौन सी आजादी है? जरूरी है कि मेरा बच्चा बायो भी पढ़े, वो डॉक्टर भी बने, वो इंजीनियर बन सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है। कब तक हम ये पढ़े कि ताजमहल किसने बनवाया था 7 अजूबों में हुए, तब तक हम ये पढ़े कि एपीजे अब्दुल कलाम विदाई में, कि आप में से कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, क्या आप में से कोई इसरो में नहीं जा सकता, क्या आप में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि नासा में जा सकता है, रिसर्च कर सकता है, मंगलयान चंद्रयान, क्या आप में कोई ऐसा नहीं कि वो बना सकता है? बिल्कुल। लेकिन वो ये है कि स्किल को डेवलप करना। रोनाल्डो की टांग और मेरी टांग में ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस ये है कि उसने प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस।
डिसिप्लिन, वरना ऐसा नहीं है कि उसके काम में 10 जिन है बॉल को किक करेगा और सामने से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्किल, हाथी को देखा कितना बड़ा, बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ ब्लू व्हेल, उसका दिमाग कितना बड़ा होगा जिसकी लेंथ भी 3 बसों की जितनी, लेकिन फिर भी मोस्ट इंटेलिजेंट कौन? ह्यूमन। कॉन्शियस कौन? ह्यूमन। क्योंकि हमारे पास स्किल है, हम एक दूसरे का दर्द जान सकते। लेकिन आज का एजुकेशन क्या है हमारे पास की पढ़ा लिखा वो एक बम तैयार करो वही बम पड़ेगा दूसरे मुल्क के इंसान में, ये अपनी स्किल्स को डेवलप करो। मैं ज्यादा बात नहीं करूँ, स्किल्स को डेवलप करो, स्किल्स हर जगह जाओगे आजाद आप इस लिहाज से हो कि आप पढ़ो। हर किसी का बाबा इतना अमीर नहीं है, कुछ मजदूरी करते हैं। सर्दियों में कभी देखना वो हम तो अंदर 2 मीटर में होते हैं, ठंडे हाथ जब घूमने जाते हैं मजदूर है वो, किसलिए? ताकि मेरा बच्चा अच्छा से खाना खा सके, प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, आला से आला तालीम हासिल कर सके। लेकिन यहाँ हमारे बच्चे, इन्हें डिस्कशन होती है पबजी, BTS, पता नहीं क्या क्या बला है, चीन का पाक डालना, आपको लेटेस्ट है। क्लास में जाओ तो ये बात, कभी कोई टीचर आगे से कुछ बोले तो उसे आगे से ऐसे जवाब देते जैसे पता नहीं उस टीचर को खरीद लिया होगा, ये आजादी। आजादी का मतलब ये नहीं था कि कोई बच्चा बदतमीजी करेगा, आजाद अंग्रेजों से हुए, लेकिन हम तो अभी भी गुलाम हैं। फोन देखो अभी भी 100 का फायदा वेस्टर्न कल्चर अपने अपनाया, तो कहां से हमारा शराब सिगरेट वगैरह किसकी देर है, अंग्रेजों की, तो कहां से हमारा। स्किल्स को डेवलप करो। एपीजे अब्दुल कलाम ने लाइब्रेरी बनाई, एक हाथ में किताब रखी, इल्म को इजाफा दिया। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप एक हाथ में किताब रखो, दूसरे अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो आप वेद को पढ़ो। शायद कोई बच्चा 4 नाम के बारे में, नाम तो पता होंगे लेकिन उनके अंदर क्या है कुछ नहीं। ट्रांसलेशन मिल जाएगी, संस्कृत नहीं आती इंग्लिश में गया हिंदी में। मुस्लिम बच्चों से मैं कहता हूँ एक हाथ में कुरान को रखो, एक हाथ में साइंस को रखो, किसी और सब्जेक्ट को रखो, आपको ये पता लगेगा कि जो हमारी जो आजकल साइंटिस्ट ये डिस्कवर हुआ वो डिस्कवर हुआ। जब आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ोगे आपको ये पता लगेगा, ना माइक्रोस्कोप ना कोई एडवांस इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें तब बताई जाएंगे जब शायद दुनिया में कुछ नहीं। अगर बाप के पास स्कूटर है, बेटे के पास बाइक होनी चाहिए, तोते के पास गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन इल्म में वही नीचे अपडेट है। अगर अपडेट करना है तो खुद के नॉलेज को करो, खुद की स्किल को करो। हमें अक्सर स्कूल में बात बताई जाती थी हार्ड वर्क मजदूर ही करता है, लेकिन अक्सर घर बनाने के लिए हम आर्किटेक्ट को लें, मिस्त्री को लें, क्योंकि उसे ही पता है नए नक्शे कैसे घर के बनाना है। लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन करता है? मजदूर। खचरे वाला शायद ज्यादा काम करता है, बस टाइम से इतना माल इधर जा रहा है, लेकिन उसी मिस्त्री के पास इंजीनियर के पास के नॉलेज के साथ स्मार्ट वर्क उसने अपनी स्किल को बनाया। हमारे पास ये फोबिया भी है कि पढ़ लिख के कुछ नहीं बनेगा, किसने कहा? आधा कंपटीशन तो वैसे ही बाहर हो कि नौकरी नहीं मिली, आधे लोग यही सोच के नहीं पढ़ रहे नौकरी नहीं मिल रही है, बैठ गए साइड पे आधा कंपटीशन खुश। फिर जो बचे कुचे बचे उन्हें अब ये समझ नहीं आती कि हम करें, किस किताब को पढ़ना चाहिए किसे नहीं पढ़ना चाहिए। क्लास में टीचर होने के बावजूद भी ख्याल बाहर, बाहर कोई सेम चीज पढ़ा रहा है वो अच्छा है, अंदर वही टीचर 40 मिनट 3 साल से कंटिन्यू सेम चीज पढ़ा रहा है, लेकिन नहीं किस टीचर की समझ नहीं आ रही। ये आजादी है आपके पास, किसी के भी बारे में कुछ भी हो। ज्यादा बात नहीं करो, स्किल याद रखना, स्किल को डेवलप करो दुनिया में भी और आखिरत में भी। अभी मैंने कहा जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो रिलीजियस टेक्स्ट और दुनिया की किताबें एक साथ पढ़ो,